दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही इंस्टेंट झटपट नाश्ता रेसिपी, एकदम हेल्दी और इंस्टेंट डोसा रेसिपी है ये। तो चलिए पहले बनाते हैं हम रागी का डोसा, साथ ही हम ये हेल्दी पीनट चटनी भी बनाएंगे। तो एक बोल में सबसे पहले मैं एक कप भरकर रागी का आटा डाल रही हूँ, साथ ही यहाँ पर आधा कप चावल का आटा और सेम क्वांटिटी में रवा ले लेंगे। नमक मिला लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा डालेंगे, एक टीस्पून भरकर जीरा डाला है और एक टीस्पून भरकर सफेद वाली तिल डाली है। बारीक चॉप कर धनिया पत्ती डाल लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च मिलाएंगे और एकदम बारीक चॉप कर इसमें एक प्याज डाल लेंगे। दोस्तों सारी सब्जियों को एकदम फाइन चॉप करना है हमें। तो बैटर हमारा रेडी है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल लेंगे। तो ये देखिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है और पतला सा इसका घोल रेडी करना है, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। तो इसे रख देते हैं साइड में और तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया, एक दो हरी मिर्च ले लेना है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, मूंगफली डाल लेंगे, आप भुनी हुई मूंगफली या फिर कच्ची मूंगफली जैसी आपको ठीक लगे वैसा ले सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए और लास्ट में इसमें मैं एक टेबलस्पून भरकर दही डाल रही हूँ। सारी चीजों को आप ग्राइंड कर एकदम स्मूथ पीस लीजिए और ये तैयार हो गई हमारी हेल्दी टेस्टी पीनट चटनी। आप चाहें तो इसमें तड़का भी दे सकते हैं। चलिए अब दो से सीखते हैं। तो नॉनस्टिक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पर, आप तवा या पैन कुछ भी ले सकते हैं। हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए और कुछ इस तरह से हमें बैटर को डालना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंसिस्टेंसी कितनी पतली है बैटर की, तो बस इतना ही पतला रखना है आपको। तो फैलाते हुए डोसे बना लीजिए। इसे हाई फ्लेम पर ही सेकना है, एकदम गर्म होना चाहिए पैन, ठंडे पैन में इसे नहीं बनाना है। सारा मॉइस्चर सूख चुका है तो थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे हम और अब इसे पलट कर हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए दोस्तों अपने आप ही ये पैन छोड़ने लगता है, तो आप समझ जाइए कि अब ये पलटने के लिए तैयार है। तो बस पलट लीजिए और दूसरी तरफ से भी इसे सेक लीजिए। तो ये तैयार हो गया हमारा रागी का डोसा, इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है और बनाने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट हम बनाएंगे बेसन का डोसा, ये देखिए कितना करारा बना है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने एक कप बेसन ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे इसमें और स्वाद अनुसार नमक डालकर अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से एकदम स्मूथ घोलना है हमें। तो एक कप बेसन में लगभग आधा कप मुझे पानी लग चुका है, अच्छे से फेंट लीजिए इसे। और दोस्तों जितना आप इसे फेटेंगे उतना ही क्रिस्पी डोसा बनेगा। तो अच्छे से इसे 2-3 मिनट तक फेट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह का फ्लफी बैटर तैयार होना चाहिए और पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह का फ्लोइंग रहना चाहिए, ना तो एकदम पतला और ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसे साइड रख देते हैं और तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया लिया है, 2-3 हरी मिर्च डाल लीजिए, एक लहसुन की कली ली है, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे और मैं यहाँ पर ये चटपटे भुजिया सेव ले रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैंने भुजिया सेव लिया है और 1 चम्मच दही डालकर अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम फाइन पीस लीजिए इसे और ये हमारी चटपटी इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार है। बेसन को चेक कर लेते हैं, बेसन भी अच्छे से फूल चुका है, एक बार बढ़िया मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि पानी डालने की जरूरत है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर इसे अच्छे से फेंट लीजिए। चलिए अब डोसे बनाना शुरू करते हैं। मैं इसे नॉनस्टिक पैन में ही बना रही हूँ, तो नॉनस्टिक तवे पे ही बनाइए ताकि ये चिपके ना, और तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए,
हल्का सा गर्म हो जाए तवा, इस तरह से स्पून से फैलाते हुए डोसे का शेप दे दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आसानी से फैल गया ये। एक तरफ से बढ़िया सिकने दीजिए। फिर इस पे थोड़ा सा घी या फिर ऑयल स्प्रिंकल कर लीजिए। तो थोड़ा सा घी लगा रही हूं मैं इस पे। और अब इसके ऊपर हम सब्जियों की टॉपिंग्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज, थोड़े से टमाटर डाल रही हूं, धनिया पत्ती डाल लेंगे, और मैं यहाँ पर ग्रेट कर पनीर डाल रही हूं। और थोड़ी सी बीटरूट डाल रही हूं, आप इसमें चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे। और इस डोसे को हमें मीडियम आंच पर सिकने देना है और धीरे धीरे ये किनारियों को छोड़ देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये तवे पे से निकल आया है और पीछे से जला भी नहीं है, एकदम करारा सिकता है। तो आप भी बनाइए इसे, अपनी फैमिली में खिलाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।